ये है नई 2023 टाटा हैरियर फेसलिफ्ट और अपनी बहन सफारी के साथ मिलके इसने बनाया है एक बिल्कुल नया रिकॉर्ड। ये है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में अभी तक भारत में बनी किसी भी कार के लिए सबसे ऊंचा स्कोर। तो जी हाँ, 5-star रेटिंग तो मिली है हैरियर को भी और सफारी को भी, लेकिन साथ में मिला है हाईएस्ट स्कोर भी। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। टाटा मोटर्स की नई हैरियर और सफारी की बाजार में शुरुआत एक बड़े धमाके के साथ हुई है, क्योंकि दोनों ही कारों को ग्लोबल एनकैप के सुरक्षा टेस्ट में मिली है 5-star सेफ्टी रेटिंग। इतना ही नहीं, भारत में बनी किसी भी कार के लिए इन दोनों कारों को अब तक सबसे ज्यादा आंकड़े मिले हैं। ये टेस्ट ग्लोबल एनकैप के सेफर कार्स फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत किए गए। दोनों SUVs को बड़ों की सुरक्षा के लिए कुल 34 में से 33.05 अंक मिले और इसके साथ इन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो N का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने 29.28 अंक हासिल किए थे। SUVs ने Volkswagen Virtus और Skoda Slavia का रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिनको 29.71 अंक मिले थे। ग्लोबल एनकैप के नए नियमों के हिसाब से इन दोनों SUVs का साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट भी किया गया। अगर बच्चों की सुरक्षा की बात करें तो SUVs को 49 में से 45 अंक हासिल हुए। इन फेसलिफ्ट के साथ टाटा मोटर्स ने दोनों SUVs की बॉडी को ज्यादा मजबूत बनाया है। इसमें हाई स्ट्रेंथ स्टील का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है और हाँ, स्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है, इसकी वजह से आंकड़े बेहतर हुए। टाटा ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इन दोनों SUVs को जल्द होने वाले भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में भी भेजा जाएगा। स्टैंडर्ड सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो हैरियर फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टेल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग, पैनिक ब्रेक अलर्ट और 3-point सीट बेल्ट्स एक रिमाइंडर सिस्टम के साथ मिलती हैं। सफारी में भी आपको यही सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सारे पहियों पर डिस्क ब्रेक्स भी दिए गए हैं। दोनों SUVs के ऊंचे वेरिएंट्स में 7 एयरबैग्स के साथ ADAS भी मिल जाता है। इन नतीजों के साथ भारत में टाटा की बिकने वाली 7 में से 5 कारों के पास अब 5-star सुरक्षा रेटिंग है। टियागो हैचबैक और टिगोर के पास ऐसा नहीं है। फिर भी ये भारत में बिकने वाली किसी भी कंपनी से ज्यादा है और इससे टाटा को अपनी कार्स और ज्यादा बेचने में जरूर मदद मिलेगी।